राजस्थान में सचिन पायलट की नाव अब फंस चुकी है मझधार में और उनके घर वापसी के भी सारे रास्ते लगता है हो चुके हैं बंद। लगता तो यही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौते के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। गहलोत ने पायलट और उसके समर्थकों पर व्यक्तिगत हमले दिन प्रतिदिन किए जा रहे हैं और उनके पार्टी में रहने के सारे रास्ते भी बंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नहीं चाहते हैं कि पायलट अब कांग्रेस में रहे। गहलोत चाहते हैं कि पायलट और उसके समर्थक की विधानसभा में सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर पायलट अब कांग्रेस नहीं छोड़ने की बात तो कह रहे हैं, पर इसी बीच सबसे ज़्यादा मुश्किल में सचिन पायलट ही फंसते नज़र आ रहे हैं कि वह कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते और घर वापसी के उनके सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। पायलट के कांग्रेस नहीं छोड़ने के कई कारण भी हैं। उनमें सबसे प्रथम कारण है कि अगर वे कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि पायलट खेमे में 19 विधायक ही बताए जाते हैं और जो सदस्य वहाँ बैठे हैं होटल के अंदर, उनमें से कई विधायक आने वाले समय में चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। पायलट खुद बयान दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। उसके पीछे भी कारण है कि गहलोत सरकार को गिराने लायक विधायकों की संख्या पायलट के पास है ही नहीं। अगर वे कांग्रेस से अलग होते हैं तो सरकार गिराने का संकट उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा ही लगता है। पायलट के समर्थक कई कांग्रेस विधायक भाजपा में नहीं जाना चाहते। सबसे बड़ी पीड़ा पायलट को है कि उसके काफ़ी समर्थक भाजपा में नहीं जाना चाहते। स्थानीय राजनीति के लिहाज से वे हमेशा भाजपा के विरोधी भी रहे हैं। अगर वह पार्टी में जाते हैं तो मुश्किल होगी। पायलट के कांग्रेस नहीं छोड़ने का एक अन्य कारण भी सामने आ रहा है कि कई साथी वर्तमान में अशोक गहलोत कैंप में हैं, जो कांग्रेस के अंदर रहकर तो साथ देने को तैयार हैं लेकिन पार्टी छोड़ने के पक्ष में भी नहीं है। पायलट ने पहले एक नया पेच जनता के सामने लाया था कि नया मोर्चा बनाया जाएगा, लेकिन तीसरे मोर्चे की भी कोई संभावना अब वर्तमान समय में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने पहले भी गुर्जर समाज और मीणा समाज के MLA के द्वारा तीसरा मोर्चे बनाने की जो बातें कही गई थी वो भी राजस्थान में सफल नहीं हुई थी। दूसरी ओर बातें यह भी सामने आ रही हैं कि BJP में वसुंधरा राजे सचिन पायलट को BJP में शामिल होने और उनके बाद में बढ़ते प्रभाव को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट राजस्थान से अपने घर की पार्टी को छोड़कर हरियाणा की राजनीति में, जैसा कि कांग्रेस आरोप भी लगा चुकी है, फंस तो चुके हैं। अब देखते हैं कि उनके जाल से कैसे निकल पाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।